अगर वो तुम्हारे बदलते हालातों के साथ बदल जाए तो वो बेकार है। अगर वो तुम्हारे बदलते हालातों के साथ बदल जाए तो वो बेकार है। अगर वो तुम्हारा हर हाल में साथ दे तो वही तो सच्चा प्यार है। अगर वो हर हाल में तुम्हारा साथ दे तो वही तो सच्चा प्यार है। हेलो फ्रेंड्स, यस टीवी में आपका स्वागत है। मैं अमीशा आज आपके सामने एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो किसी के हालात को देखकर बदलते नहीं है, वही तो सच्चा प्यार है। ये स्टोरी है एक पति और पत्नी की। पति जॉब पे होता है, लेकिन वो कहा जाता है ना, तरक्की किसको पसंद नहीं होती, आगे बढ़ना किसको पसंद नहीं होता। तो वो भी एक ऐसा ही इंसान है जिसे अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई मिलती है और वो बोलता है कि मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि आज मैं अपना फरमान अपने बॉस के आगे रखूंगा और तुम्हें आकर बताऊंगा कि उन्होंने हाँ कहा है या ना कहा है। उसके कहने का मतलब ये होता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई। वो अपने बॉस के पास जाता है, उनको बोलता है कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, जैसा कि काम मेरा बिल्कुल परफेक्ट होता है तो आप मेरी सैलरी भी इंक्रीज कर दो। तो इस पर बॉस उसे हाँ कर देता है। तो पति का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो पूरा उछलता कूदता है कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ गई। वो सोचता है कि मैं फोन करके तो क्या बताऊं, मैं उसे घर जाकर ही ये खुशखबरी दे दूंगा, उसे गले लगाकर ये खुशखबरी बताऊंगा। वो अपने घर जाता है, वो जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला होता है, उसका घर अच्छी तरह से सजा हुआ होता है, डाइनिंग टेबल पर फूल वगैरह बिछे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत रंगीन होता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है। उसके बाद वो किचन में जाता है, उसकी पत्नी वहां पर कुछ खाना पका रही होती है, तो वो जाकर उसे हक कर लेता है और वो उसे बोलता है कि बधाई हो मेरी मिसेज, आज तुम्हारी वजह से मेरी सैलरी भी इंक्रीज हुई है। तो वो इस बात से बहुत खुश होती है और फिर डाइनिंग टेबल पर जाती है और उससे कुछ बातें करती है और फिर अपने अप्रैल में से उसे एक कार्ड पकड़ा देती है। वो कार्ड जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम ये सफलता डिजर्व करते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपनी लाइफ में, और अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी ना भी मिलती तो भी मैं तुम्हारा उतना ही साथ देती। उसकी बीवी अप्रैल में से एक कार्ड निकालती है और अपने पति को देती है, और उसका पति कार्ड को पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस कार्ड में लिखा होता है, ये जो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है वो तुम्हारी सफलता के लिए किया है, तुम इससे भी ज़्यादा सफलता डिजर्व करते हो, इसलिए तुम हमेशा खुश रहो और ज़िंदगी की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में हो। इसके बाद फिर उसकी पत्नी कुछ खाना लेने के लिए रसोई में जाने लगती है तो उसके अप्रैल में से एक और कार्ड नीचे गिर जाता है और उसकी बीवी को पता नहीं लगता कि ये कार्ड नीचे गिर गया, तो उसका पति उठा लेता है। उसका पति जैसे ही उस कार्ड को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी मैं फिर भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगी, ये मत सोचना कि अगर तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी पत्नी को उसके ऐशो आराम से और उसकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है, वो उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, उसको उसके सैलरी पैकेज से या फिर उसके ऐशो आराम से कोई भी मतलब नहीं है, वो हर हाल में उसका साथ देना चाहती है। और इसी बात को देखकर उसके पति की आंख में से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देना चाहती हो। तो दोस्तों, कभी भी किसी से कंडीशनल लव मत करो, अगर लव करना है तो अनकंडीशनल लव करो, उनके सामने अपनी शर्तें मत रखो, ये मत सोचो कि उसने मेरे लिए क्या किया है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो चाहे आपको प्यार दे ना दे, लेकिन अपने लाइफ में अपने सराउंडेड में कुछ ऐसे पर्सन्स को इन्वॉल्व करो जो सिर्फ आपका अच्छा सोचते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये लव स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और लव स्टोरी लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए यस टीवी। थैंक यू।